मेरे इस सामान के इस्तेमाल करने से मेरे पीतल के सामान एकदम सोने की तरह चमकने लगे। तो हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अपने लाइफ में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो कहने वालों ने भी क्या खूब कहा है, जितने बड़े हमारे सपने होंगे उतनी बड़ी ही तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी हमें कामयाबी मिलेगी। हम अपने लाइफ में कुछ भी पाने के लिए जितने भी मेहनत करते हैं, जितने भी परिश्रम करते हैं, पर जब सफलता हमें मिलती है ना, उसकी एक अलग ही खुशी होती है। उसके सामने हम जितने भी मेहनत किए रहते हैं ना, सब भूल ही जाते हैं, क्योंकि वो सफलता हमें इतनी बड़ी खुशी देती है लाइफ की कि हमारे उसके सामने हमारे सारे गम फीके ही पड़ जाते हैं। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, आज जो मेरे बराबर हैं उन्हें नमस्ते। तो मैं सोकर उठ चुकी हूँ, उठकर भी मॉर्निंग में थोड़ा सा घूम रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के समय बहुत ही अच्छे लगते हैं घूमने के लिए। तो चलिए, मैं अपने कामों में फिर से डेली रूटीन की तरह लग चुकी हूँ। मेरा काम हमेशा ही सेम रहता है, चाहे मैं ऑफिस में जॉब करूँ या घर में काम करूँ। अभी तो कुछ दिनों के लिए मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ, लेकिन ऑफिस में जब काम करती थी तभी भी मेरा सेम ही रूटीन था। मॉर्निंग में जल्दी से उठकर ब्रेकफास्ट, नाश्ते सबके लिए बनाना, उसके बाद सबको खिलाना, उसके बाद अपना टिफिन पैक करना, भैया लोगों के लिए पानी टिफिन सब पैक करना, सबको देकर खुद के लिए ऑफिस में निकल जाती थी। उसके बाद जब ऑफिस से छुट्टी होती थी फिर मैं जल्दी जल्दी घर में आती थी, क्योंकि मुझे रात का खाना बनाना रहता था। इसके लिए मैं ऑफिस से बहुत जल्दी जल्दी आती थी, क्योंकि खाने में अगर लेट हो जाते थे तो भैया नहीं खाएंगे, इसलिए मैं जल्दी ऑफिस से आकर ही खाने में लग जाती थी विदाउट रेस्ट किए हुए। तो मेरा रूटीन सेम ही रहता है, अगर मैं ऑफिस में काम भी करूँ या घर में काम करूँ, दोनों जगह मेरा सेम ही रहता है। कहने का तो साल का हमें 365 दिन मिला जाता है, ऑफिस से तो कभी एक दिन हमें संडे को छुट्टी भी मिल जाती है, पर घर का कामों से कभी नहीं। साल के 365 दिन ही हमें काम ही करना पड़ते हैं, ऐसा कोई रूल ही नहीं है जिसमें कि हम घर के काम ना करें, क्योंकि शुरू से भी तो यही चलाया है ना, गांव के काम तो हमेशा हमें ऑफिस में काम करूँ या स्कूल जाऊँ, हमेशा घर के काम को आगे कंप्लीट कर कर ही जाना पड़ता था। मम्मी का तबीयत अगर ठीक रहने से बना देती थी रात के समय, लेकिन ज़्यादातर मैं ही बनाती थी, क्योंकि मम्मी का भी एज हो गया है, और इसलिए मैं कभी मम्मी को बोलती भी नहीं हूँ बनाने के लिए, हमेशा यही बोलती हूँ कि मैं खुद आकर ये सब कर लूँगी, बनाने के लिए बना लूँगी, बस मम्मी कुछ काम ना करें। मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि मम्मी की तबीयत ऐसे भी ठीक नहीं रहती है ना, तो इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मम्मी घर के काम करें। तो मैं ऑफिस से आकर घर का सारा खाना वाना मैनेज कर लेती थी, सबको खिलाती थी, आती थी ऑफिस से, फिर खाना बनाती थी, फिर सब लोगों को खिलाती थी, बट मैं कभी कभी नहीं खाती थी, क्योंकि ऑफिस से आकर उसके बाद पूरे खाना बनाकर सबको खिलाना, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा थक जाती थी, उसके बाद बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों, शायद थकान ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से मुझे बिल्कुल खाने का मन तो नहीं करता था। तो मैं एकदम लास्ट में खाती सबको खिलाने के बाद, तो मम्मी को पता नहीं चलता था कि मैं खाई हूँ या नहीं। मम्मी पूछते थे, बोल देती थी मैं खाई हूँ, वरना मम्मी डांटेगी। अब कभी कभी मम्मी पता चल जाने से डांट भी खाती थी, मॉर्निंग में मैं खाई नहीं थी खाना, बट इतना थक जाती थी ना, सच में मुझे मन नहीं करता था मैं खाना खाऊं रात के टाइम में। और सुबह में जल्दी उठकर फिर से पूरे काम में लगकर फिर से वही रूटीन फॉलो करना ही रहता था। तो चलिए, आपसे बातें करते करते मेरा रोटी भी सब्जी भी हो ही गया, रोटी भी बस होने वाला है। और मैं हर काम टाइम से ज़्यादा ही देखकर करती हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही आदत बना था और मैं हर काम टाइम देखकर ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि पहले से ही मेरा आदत बन गया था, क्योंकि ऑफिस का टाइम को मैनेज करना
बहुत ही ज़रूरी रहता था कि मुझे इतने टाइम तक सारा काम कंप्लीट करके निकल जाना है। तो अभी भी मैं टाइम देखकर ही करती हूँ, क्योंकि भैया लोग को भी एक सही टाइम पे ही नाश्ता करते हैं, 9 बजे से पहले तो 9 बजे से पहले, फिर लेट होंगे तो नहीं करेंगे। तो मैं हमेशा टाइम देखकर ही अपना सारा काम करती हूँ, इतने टाइम तक ये हो जाना चाहिए, इतने टाइम में ही होना चाहिए। चलिए, मेरा रोटी भी कंप्लीट हो ही गया बना, बस एक लास्ट रोटी बची हुई है। मैंने हमेशा रोटी बनाने के बाद एक छोटी सी आटा की लोइया को तावे में साथ देती हूँ। मम्मी हमेशा बोलती है कि ये हमेशा, मतलब ये पिछला रोटी होता है, हमेशा जो लास्ट में रोटी बनता है वो कभी खाना नहीं चाहिए, पिछला बुढ़ी हो जाता है, पता है मम्मी लोग ये सब कहना रहता है। तो मैं भी ऐसे ही करके साथ देती हूँ, और लास्ट में वो जो रोटी बची रहती है उसको मैं 3 में दे देती हूँ, जो भी पछिया होती है वो सब खा लेती है। बट आप सबका तो अलग अलग सोच होता है ना, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप लोग क्या ऐसा करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैं जितने भी बर्तन धोए थे सबको रख दी हूँ, अभी फाइनली मेरा कपड़ा धोना है, उसके बाद बस मैं नहाने जाऊँगी। बस मैं नहा कर आ चुकी हूँ, आज पूजा घर में सबसे पहले मैं करने वाली हूँ, क्योंकि अभी तक ये देखिए बाबू कितना बदमाशी कर रहा है। मैं इसको जो काम करने के लिए मना करूँगी ना, ये यही करेगा, बार बार कैमरे में झांकेगा तो उल्टा पुल्टा करेगा, और मेरे सामान बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ इसी का रहता है। कुछ भी सामान इसको थोड़े भी टाइम नहीं लगेगा बिगाड़ने के लिए। ये मैं किशमिश था भगवान के पास से, जो मैंने अगले दिन चढ़ाया था उसको रख दी थी निकाल के। चलिए, मैं भगवान को अच्छी तरह से अब सफ़ा कर देती हूँ, अच्छी तरह से पोंछ देती हूँ, क्योंकि आज सबसे पहले मैं पूजा कर रही हूँ भगवान को। मुझे हमेशा लेट हो जाते हैं, मैं हमेशा लास्ट में पूजा करती हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं ना, घर का नाश्ता उश्ता बनाना, झाड़ू उड़ू देना, तो मुझे हमेशा ही लेट हो जाते हैं नहाने और पूजा करने में। और भगवान को सबसे पहले हमारे घर पे जो भी पूजा करते हैं वही सफा करते हैं। मम्मी अगर सबसे पहले नहाएगी तो मम्मी पूजा करेगी, अगर मैं नहाऊँगी तो मैं सब सफा करके पूजा करूँगी। तो आज मैं नहाई सबसे पहले, तो मैं पूजा कर रही हूँ। भगवान को पूजा करके एक अलग ही, मतलब आनंद मिलता है, एकदम मन शांत हो जाता है, पूरा घर का वातावरण एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ ही भर जाता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी मैं पूजा करती हूँ, ऐसे तो मुझे हमेशा लेट हो जाता है पूजा करने में। चलिए, मेरा काम तो हो ही गया, बस बाकी रहा भगवान के बर्तन को धोने का। तो मैं इसके लिए कुएं से पानी टान रही हूँ, उसके बाद मैं भगवान के बर्तन को धोऊंगी, भगवान का बर्तन को धोऊंगी। तो ये हमारा पीतल का बर्तन है, तो पीतल का बर्तन धोने के लिए मैं हमेशा इमली का यूज़ करती हूँ। पहले यूज़ नहीं करती थी, अब भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी भैया ने बोला है कि इमली से धोने से हमारे तांबे के बर्तन पूरा सोने की तरह चमक जाता है। एक बार आप लोग भी इस्तेमाल करके देखिएगा, सच में बहुत ही अच्छा इससे साफ़ होता है तांबे का बर्तन।
एकदम सोने की तरह ही चमकने लगता है। तो पहले मतलब इमली से थोड़ी देर बर्तन को घस कर छोड़ देना चाहिए, उसके बाद धोना चाहिए, बहुत ही अच्छा सफ़ा होता है। चलिए मैं इमली का बर्तन लोटे वोटे धो चुकी हूँ, थाली को थोड़ा अच्छे से घसी हूँ क्योंकि इसमें मैं कपूर जलाई थी ना तो इसमें थोड़ा दाग बैठ गया है, तो मैं इसको अच्छे से घस रही हूँ, ऐसे इमली से पूरे अच्छे तरह पर कोई भी दाग छूट ही जाता है। इसको लगा के अच्छे से धो रही हूँ, आधा तो छूट गया, बस थोड़ा सा और बाकी रह गया है, बस हो गया। देखिए कितनी सुंदर से चमक गए मेरे लोटे। चलिए अब मैं धोने के बाद पूजा में कंप्लीट लग गई हूँ और भगवान से पूजा कर रही हूँ एक अच्छे स्वस्थ घर के वातावरण के लिए। चलिए आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।